नमस्ते बच्चों, मैं दीप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में हमने इकाई तीसरी, जरा मुस्कुराइए, जो एक चुटकुले है, हमने उसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। आज हम इस तास में चुटकुले को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। तो चलो बच्चों, पिछले तास में हमने जो अभ्यास किया है उसे फिर से दोहरा लेते हैं। आप ही बताइए कि हंसने का क्या फायदा है, जीवन में हास्य क्यों जरूरी है? यस, जीवन में हास्य इसलिए जरूरी है क्योंकि हास्य से हमारे बहुत सारे रोग बीमारियां दूर हो जाती है। हास्य अपने आप में एक गुण है जो हमें स्वस्थ रखता है। आज के इस तनाव भरे व्यवहार में, जीवन में हास्य कहीं खो गया है। लोग एक दूसरे से झगड़ा करने में, ईर्ष्या करने में लगे हुए हैं। किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए यह जरूरी हो गया है कि हास्य को वापस लाया जाए और अपने जीवन को प्रेरणादायी बनाए, क्योंकि हास्य जीवन को प्रेरणामय बनाता है। अब आप सोचेंगे कि प्रेरणामय कैसे? मैंने पिछले दास में भी बताया था, यदि हम अपने दुख दर्द को भूल जाएंगे और हास्य की ओर बढ़ेंगे तो हम स्वस्थ बनेंगे। हमारे मन की खड़वाहट, परेशानियां, दुख दूर हो जाएगी और हम आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। इसलिए हास्य प्रेरणादायक है। और आपने बहुत सारे हास्य कलाकारों को सुना भी होगा, जैसे कि शाहबुद्दीन राठौड़ है, फिर साईराम दवे है, जीतू भाई द्वारका वाला है, फिर बताइए कौन है? यस, आप बहुत सारे हास्य कलाकार को सुनते होंगे, बराबर? धीरू भाई सरवैया है कि नहीं? इन सभी हास्य कलाकारों को आपने बहुत सुना होगा। क्या क्या सीख मिलती है उससे? यही कि जीवन में हास्य बहुत जरूरी है। कई बार तो हमारे जो रोजिंदा कार्य होते हैं उसमें भी हास्य निष्पन्न हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। यदि हम छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ लेंगे और उस हमारे जीवन को हास्य में बनाएंगे, हास्यास्पद नहीं बनाना है। देखो बच्चों, जीवन को हास्यास्पद नहीं बनाना है, लेकिन हमारे जीवन को खुशमय बनाना है। यानी कि हमारे जीवन में हास्य जरूरी है। चलो, अब पिछले तास में मैंने आपको दो चुटकुले भी सुनाए थे, आज भी दो चुटकुले सुना देती हूँ। एक बार चिंटू ने राजू से पूछा कि तुमने पिंटू को क्यों चाटा मारा? तो राजू ने कहा कि पिंटू ने कहा कि जो पहले बात बताओ फिर से कि चिंटू ने राजू से पूछा कि तुमने पिंटू को क्यों चाटा मारा? तो राजू ने बताया कि पिंटू ने मुझे हिप्पोपोटामस कहा था। तो चिंटू ने कहा, हिप्पोपोटामस तुझे कब कहा था? तब पिंटू ने कहा कि राजू ने कहा कि मुझे 15 दिन पहले उसने हिप्पोपोटामस कहा था। तो चिंटू ने पूछा, 15 दिन पहले कहा था तो आज क्यों चाटा मारा तूने उसे? फिर राजू ने बताया कि मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटामस देखा। अब देखो, उसको ये पता नहीं था अब तक कि हिप्पोपोटामस कौन है, कैसा दिखता है, क्या है। 15 दिन पहले कही हुई बात को आज याद करके उसने उसको एक जोर से चाटा लगा दिया। आप देखो कि मैंने कल भी बताया था कि एक लड़का क्या करता है, तो खाना खाने के लिए वो किसी दावत पर जाता है, क्योंकि उसको कार्ड मिला था, यहाँ पर उसके बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। उस लड़के को खाते हुए बहुत देर से कई रिश्तेदार उसे देख रहे थे। तभी एक रिश्तेदार ने आकर उस लड़के से कहा कि मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम खाना खाए जा रहे हो,
भला इतना खाना कोई खाता है क्या? तब वो लड़का बताता है क्या करूं, कार्ड में लिखा है भोजन का वक्त 7 से 9 बजे तक का। देखो वो पुत्र ये नहीं समझता है कि 9 से 7 से 9 बजे तक का खाने का वक्त है, इस बीच आपको खाना खा लेना है, लेकिन इसे लगता है कि 2 घंटे खाना खाना है। देखो ये तो छोटी सी बात है, बहुत सारे हाशिए हमारे जीवन में होते। अब कल के जो हमने चुटकुले पढ़े थे उसको फिर से याद कर लेते हैं कि मालिक ने किराएदार से क्या कहा था। तो मालिक ने किराएदार से कहा कि तुमने मुझे किराया क्यों नहीं दिया? तब किराएदार ने कहा कि भला आपने ही तो कहा था कि आप इसे अपना ही घर समझिए। देखो मालिक का कहने का तात्पर्य यह था कि आपको यहाँ पर अपनेपन महसूस करना है, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, हम गैर लोग नहीं है, आप यहाँ पर अपने परिवार जैसा महसूस कीजिएगा। अपना घर समझना मतलब क्या? यस, परिवार जैसा महसूस करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किराया नहीं देना है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी बात पर कुछ न कुछ तुक्के लगा लेते हैं और हंसी पिटारा खोल देते हैं। अब बात करें सोनू की। सोनू डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसका सिर फूट गया था। डॉक्टर ने इसे बताया, पूछा कि तुम्हारा सर किस तरह टूट गया या फूट गया? तो सोनू बताता है कि मैं पत्थर से किल ठोक रहा था, किल यानी खिली। तभी एक आदमी वहां से गुजरा, उसने मुझे कहा कि अरे गधे, खोपड़ी का भी कभी इस्तेमाल किया कर, और मैंने वो पत्थर खोपड़ी पर लगा दिया। देखो खोपड़ी का इस्तेमाल करना यानी कि उसको बताया गया कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, भला इतनी छोटी सी किल को कोई पत्थर से थोड़ी ना ठोकता है, है कि नहीं? यार वो ये समझा रहा था वो आदमी कि अपने दिमाग का, अपने भेजे का इस्तेमाल करो, उसका उपयोग करो, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने पत्थर अपने आप को ही ठोक दिया, यानी कि अपने आप को ही चोट लगा दी। अब एक अंकल ने एक बच्चे से फोन किया, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसने बोला उस बच्चे को कि जरा ऊंचा बोलो। वो कहना यह चाहती थी कि जरा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, उसने क्या किया, एक टेबल लगाया, उसके ऊपर दूसरा टेबल लगाया और उसके ऊपर चढ़कर वो भाई साहब यानी कि वो बच्चा उस भाई साहब से फोन पर बातें कर रहा था और बोला कि अब इससे ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता अंकल। ऊंचा बोलने का मतलब यह है कि जरा जोर से बोलो। देखो कई बार क्या होता है, सामने वाला कुछ कहता है और हम समझते कुछ और है कि नहीं? कई बार क्या होता है, देखो आपने कई बार सुना भी होगा, आपकी गुजराती की इकाई में भी कई आया होगा, पाठ में भी, लेसन में भी, आपका ही जो गुजराती का एक चैप्टर है अक्षर सारा करो, यस, उसमें भी बताया गया है कि अक्षरों का क्या महत्व है। यदि अक्षरों में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो सामने वाला कहना कुछ और चाहता है और जिसे कहना चाहता है वो समझता कुछ और है और कुछ और ही हो जाता है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि सुनने में दिक्कत हो या तो किसी सामने वाले के मुंह से बोलने में भी कोई दिक्कत होती है तो परिस्थितियां कुछ और हो जाती है। फिर कई बार हंसी भी आती है कि देखो क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, है कि नहीं? चल अब हम यहाँ से आगे जो 2 चुटकुले है उसका अभ्यास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शब्दार्थ नहीं है, फिर भी मैंने 2 शब्दार्थ लिए हैं, आप देख लीजिए। इस्तेमाल करना यानी कि उपयोग करना, मग्न हो जाना यानी कि तल्लीन हो जाना, उसमें खो जाना, ठीक है? चलो अब हम चुटकुले की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब का पेज नंबर 14 और 15 निकालिए। चलो 14 पर
लास्ट जो चुटकुला है उसे पढ़ते हैं। डब्बू इतिहास में तुम फेल क्यों हो गए? डब्बू कहता है क्योंकि सभी प्रश्न उस वक्त के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। देखो इतिहास क्या है, इतिहास को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है और कई बार तो उसको याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है। अब ये बच्चा क्या करता है, वो बताता है कि बहुत पहले के प्रश्न पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इतिहास में क्या आया था और क्या हुआ था। आप क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ऐसे इसमें आपको आता ही होगा, बहुत सारी ऐसी साल भी होगी जहां पर राजाओं का जन्म हुआ था, महान योद्धाओं का जन्म हुआ था, तो उस साल को आपको याद कर रखना पड़ता है, उसने क्या कार्य किया था या किए थे वो सब समझने पड़ते हैं। अब ऐसे ही थोड़ी आपको पता चल जाएगा, इतिहास को अपने हृदय में उतारना पड़ता है, समझना पड़ता है और बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलो अब अंतिम चुटकुले की ओर आगे बढ़ते हैं। मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिताजी, अच्छा शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे ही सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच में मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। देखो अब बिना लाइट के कोई कैसे पढ़ सकता है, पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है कि नहीं, पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये लड़का क्या करता है, मुन्ना झूठ बोलता है कि मैंने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की। उसके पापा ने बताया कि रात को 11 बजे से ही लाइट चली गई थी, तो तूने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई कैसे की? देखो यहाँ पर हंसी आती है कि नहीं, आप बहुत बार झूठ बोलते हैं लेकिन झूठ बोलना आता नहीं है, कुछ छोटा सा कार्य छिपाने के लिए। और कई बार हंसी भी आती है कि देखो इसको ये पता नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और बड़ी सफाई से बोल भी नहीं पाता है झूठ। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एक इंसान डाकघर पे और जा रहा था, तो किसी ने उसे पूछा कि भला आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा डाक खाने जा रहा हूं। अब वो आदमी बताया कि डाक खाने जाना है तो इतनी दूर तक क्यों जा रहे हो? समझ में आया कुछ? डाक खाने यानी कि पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे पर वो वहां से कुछ और समझ रहे। देखो उसने बताया कि मैं डाक खाने जा रहा हूं, तो वो बोलता है कि डाक खाने जाना है तो इतनी दूर चलकर क्यों जा रहे हो, कागज पर भी छाछी लिखे देती हो तो? उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि डाक खाना जाना यानी कि पोस्ट ऑफिस जाने की बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी इकाई खत्म होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे चुटकुले दिए गए, हमें उसका अभ्यास करने बहुत अच्छा लगा है ना। चलो आप घर पर भी बहुत सारे ऐसे चुटकुले पढ़िए पढ़िए और ऐसा लगे तो आप सुनिए, आपको मजा आएगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये सारे चुटकुले समझ में आ गए होंगे है ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको अभ्यास करवाती हूँ। आपकी किताब में पेज नंबर 15 पर प्रश्न नंबर 3 दिए गया है। देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों आपने इस व्याकरण का अभ्यास बहुत पहले ही कर लिया है, याद आया कि नहीं? अब देखिए पहला वाक्य है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो यहाँ पर दादाजी के बदले क्या आएगा?
नर का नारी में, पुरलिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। देखिए दादाजी, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी जी। तो आप क्या लिखेंगे कि मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। देखो लिंग परिवर्तन होते ही उसकी क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है, आता है कि नहीं? उसमें क्या था? मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, यहाँ पर आएगा मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। अब देखिए दूसरा, एक आदमी ने मुझसे कहा, आदमी का क्या होगा? औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। अब आगे देखिए तीसरा, लेखक कहानी लिख रहा है। अब आप ही बताइए लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? या लेखिका, लेखिका कहानी लिख रही है। देखो यहाँ पर दिया है लेखक कहानी लिख रहा है, तो उसका स्त्रीलिंग होगा लेखिका कहानी लिख रही है। अब चौथा देखिए, देखिए मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? यह स्त्रीलिंग है, मालिक। तो आप क्या लिखेंगे? मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। अब देखिए पांचवा, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। अब आगे देखिए, जंगल में शेर दहाड़ रहा था, तो क्या आएगा शेर की जगह? जंगल में शेर भी दहाड़ रही थी, ठीक है। अब देखिए सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठ की जगह क्या आएगा? सेठानी दुकान पर बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, पंडिताई रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, उसका होगा लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो बच्चों आपको ये सारा प्रश्न नंबर 3 लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखे, ये समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम अपनी इकाई खत्म करते हैं। इस इकाई के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर सुंदर अक्षरों में उसे खत्म करना है। चलो फटाफट से हम इस इकाई के फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है। चिट्टू कितने बजे तक पढ़ाई कर रहा था? चिट्टू 1:30 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। मोहल्ले की लाइट कितने बजे चली गई थी? मोहल्ले की लाइट 11 बजे ही चली गई थी। अब देखिए द बुक किस में फेल हो गया? द बुक इतिहास में फेल हो गया। द बुक इतिहास में क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो उसके पैदा होने के पहले के प्रश्न थे, इसीलिए वो फेल हो गया। चलो बच्चों यहाँ पर इकाई खत्म होती है, अगले तास में हम फिर से मिलेंगे नई इकाई के साथ, नए विचारों के साथ। यहाँ पर वैसे तो 2 ही शब्दार्थ दिए गए, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, वैसे ये अगले तास में भी मैंने इस शब्द के अर्थ बता दिए थे, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों यहाँ पर अभ्यास में एक दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिच्छेद में मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे
तभी जाकर आप उसमें से मुहावरे ढूंढ पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको नहीं करवाया है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सोच लगाइए कि यहाँ पर कहाँ किस जगह पर कौन सा मुहावरा दिया गया है। देखो एक मैं बता ही देती हूँ, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। यहाँ पर पहला मुहावरा है आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। ठीक है, अब नीचे के बहुत सारे वाक्य में मुहावरे दिए गए, आपको पहले कोशिश करना है और उसे ढूंढना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर अपना दास खत्म करती हूँ। अलविदा, धन्यवाद।